एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका बोर्ड्स कैंसिल हो गया, राइट? बहुत ख्याल आ रहा होगा कि क्या पता नीट भी कैंसिल ना हो जाए। नीट कैंसिल नहीं होगा, कितना भी चालू नीट कैंसिल नहीं होगा। अगर हो गया तो उसमें तुम्हारा घाटा है, किसी और का घाटा नहीं है। सो क्या हो सकता है, मे बी पोस्टपोन्ड हो जाए। पोस्टपोन्ड होने की चांसेस है, बट वो भी श्योर नहीं है। अगर पोस्टपोन्ड हो गया तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा कि थोड़ा पोस्टपोन्ड हो जाए तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, राइट? ऐसा सोच रहे होगे, बट एक बात सोचो कि अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा तो जो इतनी बार इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो, इतनी बार रिवाइज किया है, फिर से उन सब चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। सो इट्स काइंड ऑफ नॉट अ विन विन थिंग फॉर यू। एंड इवन इफ अगर आपका नीट का डेट पोस्टपोन्ड होता है तो आपका सेशन लेट स्टार्ट होगा, ये भी तो सोचो, विच इज़ लाइक आपके लिए घाटा ही घाटा है। सो इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग इन दिस वे, लाइक अगर ये सब ख्याल आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, आई वुड टेल यू, अगर मैं आपके सिचुएशन में होती, अगर मैं आपके जगह पर होती, ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती एट फर्स्ट, ठीक है? मतलब शुरू में जब ये सब चीज़ें अगर मेरे दिमाग में चलती तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती, लाइक आई हैव गॉट पालपिटेशंस, राइट? सो दैट इज़ अ थिंग। सो इफ़ यू आर फीलिंग दिस वे, देन आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके रियल कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? सो इट्स नॉट अ यूनिक थिंग और अ डिफरेंट थिंग दैट यू हैव टू बी वरीड अबाउट, राइट? इट्स अ कम्प्लीटली नेचुरल थिंग एंड यू शुड बी रियली हैप्पी दैट यू आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट दैट थिंग, राइट? बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स कैंसिल हो गए एंड लोग पार्टी कर रहे थे। आई डेंट लाइक इट दैट मच, लाइक यार बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? मतलब बोर्ड्स इज़ अ लाइक मेमोरेबल थिंग, लाइक आपको होता है जब बड़े, मतलब कितना भी बड़े हो जाओ, 12th बोर्ड का रिजल्ट आप सबको बताते हो आपका ऐसा था वैसा था, क्योंकि बहुत मेहनत करते हो कोई चीज़, आपसे इतनी मतलब प्रेशियस मेमोरी आपके हाथ से चली जाए, आई डोंट थिंक इट्स समथिंग टू सेलिब्रेट, राइट? वही लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं होगा। आई कैन गारंटी जिन लोगों का नीट में सिलेक्शन होने वाला है ना, आई नो यू गाइज मस्ट बी लाइक डिप्रेस्ड बिकॉज यू वुड हैव स्टडीड लाइक हेल, ठीक है? सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मुझे DMs करते हैं आप इंस्टा पे और ईमेल करते हैं कि दीदी अगर मैं अभी से स्टार्ट करूँ तो क्या मेरा नीट में हो सकता है, तो अगर आपने अभी तक सोचा तक नहीं है तैयारी करने के बारे में, राइट, अभी 2 महीने भी नहीं है, तो यार मत करो फिर यार, दिस इज़ कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल। मतलब कोई 2 महीने पहले से, मतलब अभी तुमने सोचा तक नहीं तो फिर तुम तो सोचो भी मत यार, तुम बहुत लेट हो चुके हो। अब हो सकता है तुम नीट 2022 के लिए सोच लो, हो सकता है उसके बाद उसमें हो जाए। लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू डू, देर इज़ नथिंग टू आस्क फ्रॉम समबडी एल्स हु डज नॉट इवन नो यू पर्सनली कि क्या 2 महीने में आप 2 साल का सिलेबस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो कि इस इतना ज़्यादा टफ सिलेबस है। ये जो मैं अभी टिप्स दूंगी वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली, क्योंकि मुझे बहुत सारे DMs ऐसे भी आए जिनका कंसर्न ये था कि दीदी मैंने सब कुछ कर लिया है, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, बट आई फील लाइक व्हाट शुड आई डू नाउ, आई जस्ट फील लाइक कि मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ। मेरे को ऐसे ऐसे DMs आते हैं तो मैंने उन लोगों को कुछ बताया। सो मैं वही चीज़ आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। देखिए, सी, देयर इज़ वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम की ज़रूरत है, आपको पूरी NCERT याद नहीं है, आपको हर एक पॉइंट याद नहीं है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, नीट आपसे पूरी NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की हर एक लाइन से क्वेश्चन नहीं आता, वो बस इतना जानना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो यू डोंट हैव टू मतलब फील कि आपको हर एक लाइन याद है, यू नीड टू फील दैट नाउ यू डिज़र्व इट, ठीक है? क्योंकि आप दैट इज़ लाइक कम्प्लीटली यूनिक कि किसी को लाइन बाय लाइन 100% एकदम श्योर शॉट सब कुछ याद हो। थोड़ा बहुत हम भूलते हैं, ठीक है, दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल, ठीक है? यू जस्ट नीड टू फील दैट यू आर रेडी टू गिव एग्ज़ाम। लाइक गिविंग एग्ज़ाम डज नॉट मीन दैट आपका 100% सिलेबस आपको याद हो, बस इतना होना चाहिए कि आपको इतना फील हो कि जिस चीज़ को आप कम्पीट करने जा रहे हैं उसके लिए आप रेडी हैं या नहीं, क्या आप उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए रेडी हैं या नहीं, दैट इज़ द डिज़र्विंग फीलिंग शुड कम।
क्योंकि ये जो हम जैसे लोग हैं, हमें बस ये फील करना होता है कि नाउ वी डिजर्व इट, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट टू डेज बिफोर माय एग्जाम. सो दैट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट, राइट? सो दिस इज समथिंग विच यू कैन फील इनसाइड, राइट? अभी क्या कर सकते हो, अभी 2 महीने हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी टाइम मिलेगा, सारा सिलेबस पूरा हो चुका है. सो सम प्रैक्टिकल टिप्स नाउ. सो क्या करो सबसे पहले, हर दिन 1 या 2 पेपर सॉल्व करो, मिनिमम 1 पेपर सॉल्व करो, और उसको कोशिश करो कि 3 घंटे में नहीं, 1 घंटे में कंप्लीट करो. अरे 1 घंटा नहीं तो कम से कम 2 घंटा, मतलब 2 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करो. एंड उसके बाद जो भी तुम गलतियां करो उसके बारे में जाके तुम देखो कि कौन से टॉपिक से तुमने गलती की है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो. दैट वुड मेक इट इंटरेस्टिंग, राइट? और जो भी उसके बाद जब पेपर पूरा हो गया, डाउट्स अपने खुद से क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, तो उसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ एक्चुअली आज तुमने कुछ सीखा है, प्लस तुमने कुछ किया भी है, ठीक है, प्रैक्टिकली किया है. लेकिन 1 से ज़्यादा पेपर कर लो, 2-3 पेपर कर लो, प्लस जो चीज़ जब पेपर कर लिया तो एक बार जो अपने सही क्वेश्चंस भी किए एक बार उसको भी रिवाइज कर लो कि ठीक है इसमें ये क्वेश्चन था, इसके आसपास क्या क्या चीज़ें थी, वो सब ऐसे पढ़ लो, ठीक है. वो तो पेपर की बात हो गई, 1 पेपर या 2 पेपर डेली. उसके बाद क्या करो, ठीक है तुम्हें सब कुछ याद है, राइट? तुम्हें सारी मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, बट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, राइट? सो फॉर दैट यू हैव टू चूज़ अ टॉपिक, क्लोज द बुक एंड थिंक कि आपको क्या क्या याद है. दैट इज़ लाइक पॉजिटिव रिकॉलिंग, राइट? लाइक एक्टिव रिकॉलिंग. सो दैट्स व्हाट मैंने एक और वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मतलब सिर्फ अगर रिवाइज करके मतलब ऐसे कॉपी खोल के ऐसे पढ़ोगे तो वो उसमें दिमाग में कुछ नहीं जाता है, दैट इज़ नॉट ब्रेन एक्सरसाइज, राइट? इफ यू रियली वॉन्ट टू रिवाइज पॉजिटिवली यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉलिंग. तो हर दिन जिन लोगों को ऐसा लगता है उनका सिलेबस पूरा हो गया ना, सो यू हैव टू डू लाइक 3-4 चैप्टर्स अ डे. लाइक 1 फिजिक्स का कर लो, 2 केमिस्ट्री का कर लो, 3 बायो का कर लो, इस टाइप से. क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर एवरीथिंग यू जस्ट हैव टू क्लोज द बुक एंड एवरीथिंग विल फ्लैश इन लाइक इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है. और एक बार फिर जब अपने रिकॉल कर ले तो हर पेज को देखो क्या क्या चीज़ें आपने मिस कर दी थी. सो ये चीज़ आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग भी बनाएगी और एंड ट्रस्ट मी इतनी अच्छी मेमोरी बनती है इसके बाद, इतनी अच्छी मेमोरी आप बिना नीट दिए तो भूलोगे नहीं. और ट्रस्ट मी, मैं भी कुछ चीज़ें तो मैं अभी भी नहीं भूली हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ. तो दिस इज़ द थिंग यू कैन डू राइट नाउ. सी, और ये तो चीज़ें थी कि आप क्या कर सकते हैं. अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगी जो आपको करना बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, अपने आप को जितना शांत कर सकते हो मन में, जितना शांत कर सकते हो, काम योर सेल्फ, ठीक है. जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती हो, चाहे म्यूज़िक, चाहे कुछ लिखना या कुछ देखना या फिर गाने गाना, कुछ भी, कुछ लिखना, जो भी अपने आप को रिलैक्स करो. हर चीज़ करने के बाद थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो और उसके बाद इफ़ पॉसिबल मेडिटेशन कर लो. मेडिटेशन कर सकते हो तो कर लो. देखो द थिंग इज़, मुझे मेडिटेशन का भी मतलब मैंने ट्राई किया था बट मेरे से हुआ नहीं, जो भी. बट जो चीज़ मुझे रिलैक्स करती थी वो थी गाने सुनना और गाने गाना एंड राइटिंग माई डेली डायरी. सो दैट थिंग यूज़ टू काम मी एंड आई यूज़ टू टॉक टू पीपल, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड. तो आई यूज़ टू डिस्कस माई प्रॉब्लम्स विथ माई मॉम एंड माई फ्रेंड्स. सो इट वॉज काइंड ऑफ थिंग कि मतलब दिमाग से सारी नेगेटिविटी हट रही है, प्लस हम अपने आप को शांत भी कर रहे हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव डन योर पार्ट. नाउ यू हैव टू फील दैट यू आर रेडी वेन एवर नीट हैपन्स. जब भी एग्जाम हो आप फोड़ने के लिए रेडी है. जब तक नहीं होगा आप धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लेते रहेंगे, वही रोज़ पेपर करना, रोज़ रिकॉल करना, क्योंकि आपने तो सिलेबस पूरा कर चुका है आपने, है कि नहीं. आपको अंदर से इवन दो इफ़ 1 or 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट, ठीक है, इवन इफ़ यू फील दैट वो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है एंड यू डोंट फील लाइक ऐसे खोल के पढ़ना, देन द बेस्ट थिंग यही है. मैं भी यही करती थी. जैसे कुछ चीज़ है जो मुझे रिपेल कर रही है, मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि मैं उसको पढ़ूँ, तो मैं यही करती थी कि उसके क्वेश्चंस, लाइक आप क्वेश्चंस जब करोगे तो आपको बेसिकली उसमें वो कॉन्सेप्ट मिलेगा. जब आपको कोई क्वेश्चन हिट करता है तो आपको उसको चीज़ को पढ़ने का मन करता है. तो अगर आप उस तरह से पढ़ोगे ना तो पता चलेगा जो टॉपिक्स आपके थोड़े बहुत डाउट में थे, छूटे हुए थे, वो सब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्दी थिंग विच आई यूज़ टू डू एंड आई थिंक दिस इज़ द थिंग यू कैन ऑल्सो डू. एंड प्लीज़ गिव मी कमेंट्स एंड प्लीज़ गिव मी रिव्यू दैट प्रैक्टिस करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा और कितना फ़ायदा दे रहा है आपको मेरा
टेक्निक और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी ये लास्ट वीडियो है मेरे घर का, क्योंकि मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। सो सी यू देयर, बाय।